बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर अली और आप देख रहे हैं टेक मास्टर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट्स की जो सेल की डेट है वो आप लोगों ने कैसे चेंज करनी है, और इजी वे में किस तरीके से आपने उसको जो है ना वो यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने आना है यहाँ पे, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने आ जाना है प्रोडक्ट डिटेल पे। ये लिखा हुआ है मैनेज प्रोडक्ट, तो आपने मैनेज प्रोडक्ट के बटन पे कर देना है क्लिक। जैसे मैनेज प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो फाइल ओपन होगी, प्रोडक्ट्स की फ़ाइल ओपन हो जाएगी, जो जहाँ पर हम लोगों ने ये सारी वर्किंग करनी है। ठीक है, उसमें कुछ और दो चार ऑप्शंस हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कुछ मेरी प्रोडक्ट के साथ कुछ इशू हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। सबसे पहले आपने ये देखना है, यहाँ पे ये एक परफ्यूम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये देखें एक्टिव है, सब कुछ ओके है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। तो इसकी रीज़न क्या है? जैसे मैं क्रॉस के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ है ब्रांड इज़ इन अप्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या इशू है, मींस के अगर मैं इसको एडिट के बटन पे जाके क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ कि इस पर मैंने ब्रांड कौन सा लगाया हुआ था। ये देखें, ये वहाँ पे वो फोकस नहीं हुआ हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे मैं इसको कोई ब्रांड मैंने मेंशन कर दिया था। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है, ये सही है। हाँ, वेट कितना है इसका? ये मेरे ख्याल में 100 ml है, और नॉट स्पेसिफाई कैफरी आइटम नो है। ठीक है, ये इन्होंने कोई नई चीज़ ऐड की है, और उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, मींस के बाद दफ़ा कुछ ब्रांड का इशू होगा तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं हो जाना कि यार ये हो के आ गया है और ये क्यों इस तरीके से जो है ना वो हमारी लिस्टिंग ख़राब हो गई हुई है, या हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऑफ हो गई है, शो नहीं हो रही, लाइव नहीं हो रही। तो ये आपने इस तरीके से इसको जो है वो करना है। ठीक है, ब्रांड आप कोशिश करें कि ब्रांड की ही आप प्रोडक्ट और वहाँ पे ब्रांड ही मेंशन करें, अदरवाइज़ आप नो ब्रांड भी उसमें लगा सकते हैं। कहाँ पर गया ये वाला था? ठीक है, आप देखें लाइव हो गया ये, जी मेरी प्रोडक्ट लाइव हो गई है। ठीक हो गया, मैंने नो ब्रांड कर दिया इसको। वैसे ये पता नहीं कौन सा वाला ब्रांड है। अच्छा, चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आना है यहाँ पे इंपोर्ट के बटन पे। इंपोर्ट में प्राइस के बटन पे आपने क्लिक करना है, सॉरी लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आना शुरू हो गया। तो सबसे पहले आपने एक बात ध्यान में रखनी है, आपके पास एक्सेल की नॉलेज आनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैंने डाउनलोड किया हुआ था और ये रहा, ये डाउनलोड हो गया। मैं इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, जैसे ओपन किया तो आपके पास ये फाइल आ जाती है। इस तरीके से आपने इसको एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करके इसको एनेबल कर देना है, और आपने इस पर कुछ भी अपलोड या कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, ना नाम चेंज करना है, ना SKU चेंज करना, कुछ भी। हाँ, इसमें आप सेल प्राइस चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, अच्छा, मैं अभी सेल प्राइस चेंज नहीं कर रहा, मैं इसमें डेट मैंशन कर रहा हूँ कि आपने डेट लगानी है आज 30 है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 28 मेंशन कर देता हूँ, 2 दिन पहले की। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास एक सिंपल, ये इसमें तो 40 के करीब करीब प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, 42 हैं, तो अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करूँगा, ठीक है ना, तो भी हो जाएगा। ये देखिएगा ज़रा, ठीक हो गया। अदरवाइज़ आपने अगर इस तरीके से नहीं करना तो आपने जस्ट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है और डाउन एरो प्रेस करना है। वो जितने भी प्रोडक्ट नीचे होंगे, 1000 के करीब प्रोडक्ट होंगे, जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद आपने कंट्रोल डी का बटन दबाना है, तो वो देखिए सारे के सारी सेम डेट आ जाएगी। ठीक, ओके, इसी तरीके से यहाँ पर हम करते हैं। मैं इसको बल्कि इसी को ही चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अगस्त का पूरा महीना, मैं यहाँ पे 9/25 तक मैं लगा देता हूँ। ठीक हो गया, और इस तरीके से आपने दोबारा करना, और ये आपके पास फाइल आ गई। तकरीबन
टू मंथ की मैंने सेल लगा दी, कंट्रोल एस करना है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको क्लोज़ कर दें। अब दोबारा आपने यहीं पे आना है। अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये देखें ये प्रोडक्ट मैं ओपन किया ना, ये देखें यहाँ पे कुछ सेल प्राइस नज़र नहीं आ रही ना, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं दोबारा इम्पोर्ट पे आता हूँ। यहाँ पे इम्पोर्ट के बटन पे पहले क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करना है मैंने प्राइस, और अपलोड फाइल के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वो फाइल नेम क्या था भला, क्या था फाइल नेम, कहाँ पे गई फाइल, मैंने इसका नाम नहीं चेंज किया था, ये है हाँ ये वाली है, ठीक हो गया। इसको आपने इस तरीके से अपडेट कर देना है। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें यहाँ पे जैसे ही अपलोड करेंगे ना, क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी। आपने वेट करना है, अगर आपके पास कम प्रोडक्ट्स हैं तो जल्दी हो जाएगा, और अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए आप लोग कि यहाँ पे 41 प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे सक्सेसफुल सब हो गया। अगर वो ब्रांड वाला मैंने ना किया होता ना, तो यहाँ पे एक एरर आ जाना था, ठीक है। 40 प्रोडक्ट्स उसने ओके कर देनी थी, और बाकी जो प्रोडक्ट्स थी ना, उसने उसने क्या करना था, उसने वहाँ पे एक प्रोडक्ट का एरर दे देना था, लेकिन यहाँ पे वो शो नहीं करवाएगा कि आपका एक प्रोडक्ट का एरर है, ठीक है। और परेशान ना होइएगा, फाइल ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट शो होगी जिसमें एरर होगा। उसके बाद आपने इसको डन कर देना है। अब मैं ये देखें यहाँ पे था, अब मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, देखता हूँ कि मेरी सेल लगी है कि नहीं, तो कोट हो गया, तो ये मेरी सेल यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हुई है। अब मैं कोई और प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, देखता हूँ इस पर प्रोडक्ट पे सेल लगी है कि नहीं, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने देखो, एक मैं कहता हूँ 30 सेकंड लगे होंगे, 30 सेकंड में आपकी सारी की सारी जो है ना वो सेल प्राइसेस अपडेट हो जाएंगी। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था, एक वीडियो मेरी पहले भी आ चुकी हुई है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने बता दी हुई हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को करें और अच्छे तरीके से इसमें वर्किंग करें, और इंशाल्लाह जो है ना वो आपका बिज़नेस ग्रो होगा। तो ये इस वीडियो के में जो है वो बस इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और जिन्होंने ये काम नहीं किया तो काइंडली सेल प्राइसेस के साथ, क्योंकि डेफिनेटली आप जितना मर्ज़ी प्राइस काम कर लें, जब तक सेल प्राइस आप वहाँ पे मेंशन नहीं करते ना, तो एज़ अ कस्टमर वो उस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कोई कमेंट्स हो, कोई चीज़ पूछनी हो कमेंट्स कर दें, और अदरवाइज़ मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो पूछ के तो भी आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।